दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्सटिंक्शन नेचर का हिस्सा है, लेकिन हम इंसानों की वजह से एक्सटिंक्शन का रेट हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर 10,000 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और हर साल 1,00,000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी। बहरहाल अर्ली 1800s में कैमरा इन्वेंट हो चुका था और एनिमल डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से बदल गई थी, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे में कैप्चर होने वाले 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लास्ट फोटोज दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, क्वागा। देखने में तो क्वागा हॉर्स और ज़ेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, बट ये मॉडर्न डे ज़ेब्रा की सब स्पीशीज हुआ करते थे, जो बिल्कुल भी ज़ेब्रास की तरह नहीं दिखाई देते थे। इनकी बॉडी में यूनिक तरह का स्ट्राइप पैटर्न हुआ करता था, जो इन्हें ज़ेब्रा से देखने में काफी अलग बनाता था। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के रीजन में ही रहा करते थे, बट सैडली जब डच और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने इनका बहुत ज्यादा शिकार करना शुरू किया तो 1878 में दुनिया से खत्म हो गए। और ये क्वागा की लास्ट फोटो है जो एम्स्टर्डम ज़ू में ली गई थी। जब ये फीमेल क्वागा 1883 में मरी तो ज़ू ने सोचा क्यों ना दूसरा क्वागा मंगवाया जाए, बट उन्हें पता नहीं था कि क्वागा तो 1878 में ही दुनिया से खत्म हो गए थे। बहरहाल अब इनको दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही है ज़ेब्रास की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। नंबर 6, बारबरी लाइन। दोस्तों बारबरी लाइन मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन की सब स्पीशीज हुआ करते थे, जो नॉर्थ अफ्रीका के एटलास माउंटेन्स में पाए जाते थे। इन माउंटेन्स का टेम्परेचर आमतौर में काफी ठंडा होता है, इसलिए बारबरी लाइन के फेशियल हेयर्स भी काफी डार्क और बहुत ज्यादा घने हुआ करते थे, जो इन्हें ठंडे मौसम से प्रोटेक्ट भी किया करते थे। अगर मॉडर्न डे लाइन के फेशियल हेयर्स बारबरी लाइन से कंपेयर किए जाए तो ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये वही मशहूर लाइंस हैं जिन्हें एंशियंट रोमन एम्पायर की ग्लेडिएटर गेम्स में ग्लेडिएटर के साथ लड़वाया जाता था, और तो और इनकी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस एंशियंट इजिप्ट में भी दिखाई देती है और साथ ही साथ बहुत सी सिविलाइजेशंस में भी। लेकिन हम इंसानों ने इन लाइंस की बहुत ज्यादा हंटिंग करना शुरू कर दी थी, और इवन कुछ लोग तो इनकी बॉडी के बदले रिवॉर्ड भी दिया करते थे, और इसी वजह से ये इस दुनिया से 1940s में एक्सटेंड हो गए थे। बहरहाल ये फोटो किसी ने जहाज में उड़ते हुए माउंटेन्स के ऊपर से ली थी और इसे बारबरी लाइन की आखिरी फोटो कंसीडर किया जाता है। नंबर 5, पैसेंजर पिजन। दोस्तों इनको देखने वाले कुछ लोग बताते हैं कि जब ये ग्रुप्स में उड़ा करते थे तो आसमान पूरी तरह से कवर हो जाया करता था, और इन पैसेंजर पिजन्स के ग्रुप को घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से गुजरने में, जिसका मतलब इनकी पॉपुलेशन किसी जमाने में बिलियंस में हुआ करती थी। बट बाद में इनकी गोश्त को लोगों ने चीप और एंडलेस सोर्स समझकर हद से ज्यादा खाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से इनकी रोजाना की बेसिस में बहुत ज्यादा हंटिंग की जा रही थी। देन फाइनली एक ऐसा वक्त आया कि पैसेंजर पिजन इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटेंड हो गए। बहरहाल ये है लास्ट पिक्चर कैद हुए पैसेंजर पिजन की। इस इमेज में आप मार्था नामी फीमेल पैसेंजर पिजन को देख रहे हैं, जो कि लास्ट इंडिविजुअल बताई जाती है अपनी स्पीशीज की। वैसे मार्था भी 1914 में मर गई थी। नंबर 4, कैरोलाइना पैराकीट। दोस्तों कैरोलाइना पैराकीट पैरोट की कलरफुल और ब्यूटीफुल स्पीशीज हुआ करते थे, जो किसी जमाने में मिलियंस में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, और तो और इनकी डाइट फ्रूट्स और सीड्स पर बेस्ड होती थी, खास तौर में कुकलबर्न नामी प्लांट्स के सीड्स पर। इन प्लांट्स के सीड्स जहरीले होते हैं, इसलिए कैरोलाइना पैराकीट इन्हें खाने के बाद टॉक्सिक हो जाया करते थे, और जो भी एनिमल्स इन पैरोट्स का शिकार करके इनको खाया करते थे जैसे हाउस कैट्स, तो वो भी इन्हें खाने के बाद मर जाया करते थे। दोस्तों इन पैरोट्स की पॉपुलेशन आइस एज खत्म होते ही कम होना शुरू हो गई थी, साथ ही साथ अर्ली 90s में इन्हें रेगुलरली हंट भी किया जाता था इनके फेदर्स के लिए और इन्हें फैशन में इस्तेमाल करने के लिए, और फिर ये अराउंड 1904 में एक्सटेंड हो गए थे। ये फोटो इनका सुनामी इस दुनिया के आखिरी कैरोलाइना पैराकीट की है, और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसे भी उसी पिंजरे में रखा गया था जिसमें इस दुनिया के आखिरी पैसेंजर पिजन मार्था को रखा गया था। नंबर 3, थाला
थैलासाइन। इस एनिमल को तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है, लेकिन याद रहे इनका टाइगर से दूर का भी रिलेशन नहीं है। थैलासाइन देखने में डॉग्स की तरह दिखाई देते थे और बॉडी में टाइगर्स की तरह निशान भी होते थे, लेकिन ना ही ये डॉग्स थे और ना ही टाइगर्स, बल्कि ये मार्सुपियल थे। मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स को कहा जाता है जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। बहरहाल ये कार्निवोरस हुआ करते थे और अपने से छोटे एनिमल्स का अकेले शिकार किया करते थे। ये मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया में पाए जाते थे। थैलासाइन के एक्सटिंक्शन में बहुत से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, जिनमें से एक वजह डिंगो नामी डॉग की एंशिएंट ब्रीड थी। ये डॉग्स ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली नहीं पाए जाते थे और इंसानों के जरिए ऑस्ट्रेलिया लाए गए थे, इसलिए थैलासाइन के लिए कंपटीशन बढ़ गया था। और ये ऑस्ट्रेलिया से तो 3000 साल पहले ही खत्म हो गए थे, और जो पॉपुलेशन थोड़ी बहुत तास्मेनिया में बची उन्हें इंसानों के जरिए शिकार करके मार दिया गया था। आप जो इस वक्त फोटो और वीडियो देख रहे हैं, ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थैलासाइन की है, जो 1936 में ज़ू में पुअर ट्रीटमेंट की वजह से मर गई थी। नंबर 2, गोल्डन टॉट। दोस्तों, गोल्डन टॉट्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बार कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट से मिले थे। इनका कलर बहुत ही ब्राइट होता था और ये देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लगते थे। वैसे टॉट और फ्रॉग दोनों ही डिफरेंट एम्फीबियंस होते हैं। बहरहाल गोल्डन टॉट को सिर्फ और सिर्फ 1966 में ही डिस्कवर किया गया था। बाद में जब 1987 में इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये इनकी लास्ट हेल्दी गैदरिंग थी, क्योंकि जब दोबारा 1988 में पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ 10 से 11 ही गोल्डन टॉट मिले। और फाइनली 1989 में जब एक और बार पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल गोल्डन टॉट मिला। बहरहाल काफी तलाश करने के बाद इन्हें 2004 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इनकी इतने फास्ट एक्सटिंक्ट होने की एक वजह एम्फीबियन गाइट्रेट फंगस नामी बीमारी बताई जाती है। वैसे इस बीमारी की वजह से आज भी इस दुनिया से बहुत सी एम्फीबियंस की स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। नंबर 1, बुबल हार्टेबीस्ट। बुबल हार्टेबीस्ट पहले हार्टेबीस्ट थे जिन्हें साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। वैसे हार्टेबीस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जिसका मतलब ये फूड चेन बैलेंस करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बहरहाल बुबल हार्टेबीस्ट हार्टेबीस्ट की सब स्पीशीज में से एक थे। इनको सबसे ज्यादा अलग इनका कलर बनाता था, जो कि सैंड की तरह होता था, इसलिए ये नॉर्दर्न अफ्रीका के डेजर्ट्स में आराम से ब्लेंड हो जाया करते थे। वैसे सबसे ज्यादा बारबरी लाइन का शिकार हुआ करते थे। वेल 1830s में फ्रांस की अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन के बाद इनकी हद से ज्यादा हंटिंग होना शुरू हो गई थी, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि ये इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए। बाद में 1917 में 15 बुबल हार्टेबीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन इन्हें लोकेट करने वाला भी हंटर था, जिसने उस ग्रुप के 12 एनिमल्स को मार दिया था। बहरहाल ये है बुबल हार्टेबीस्ट की पहली और आखिरी फोटो, जो पेरिस के जू में 1923 में ली गई थी। वेल, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।